Hello friends, hope you are following my health tips. You are staying safe and healthy and following all my health tips steady. देखिए friends, आज हम बात करेंगे कि हर कोई सबकी एक चाह होती है कि वो हमेशा younger दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे और उसको aged के signs, aging के signs ज़्यादा से ज़्यादा दिनों बाद आए, ज़्यादा से ज़्यादा देर में आए, मतलब कि हर कोई यंग रहना चाहता है. कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो. सबको शौक होता है कि उसमें फिज़िकली भी स्टेमिना रहे, मेंटली भी अच्छा खासा स्टेमिना रहे और लुक वाइज एक्सटर्नली भी, इमोशनली भी, है ना, साइकोलॉजिकली भी. तो हर तरीके से हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. फिर चाहे वो बाहर की खूबसूरती की बात हो, फिर चाहे वो अंदर की खूबसूरती की बात हो. देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एज है उससे हम एल्डर लगते हैं, बड़े लगते हैं. और बहुत सारे ऐसे आप लोग देखते भी होंगे कि अरे इसकी 40 साल एज हो गई, अरे ये तो 40 का लगता ही नहीं, 50 साल एज हो गई, 50 का लगता ही नहीं. लेकिन आप लोग को लगता होगा कि अरे हमारी तो अभी 30 साल एज है लेकिन हम लोग 35 के लग रहे हैं, 40 के लग रहे हैं. तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी चीज़ें हैं, उसको अपने लाइफस्टाइल में कर लीजिए. उसके बाद देखिए आपके लाइफस्टाइल में, आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आएंगे. हेल्थ टिप नंबर 1, हमेशा पानी आपको एडिक्वेट अमाउंट में पीना है. 70% हमारी बॉडी में पानी है तो इसलिए हमें 6 to 7 ग्लासेस मिनिमम हमको पानी पीना है. जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमें डार्क सर्कल्स जल्दी नहीं होंगे. पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा सन का एक्सपोजर नहीं लेना है. जितनी ज़्यादा टैनिंग होगी उतना जल्दी हमारे साइंस ऑफ एजिंग बॉडी में आएंगे. पॉइंट नंबर 3, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटिन एंड विटामिन ए. ये सारे विटामिन्स हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट्स में होंगे, हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट्स में होंगे तो हमारे पास बुढ़ापा नहीं आएगा. हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिजिकली भी, एक्सटर्नली भी. इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहिए, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स वाली पीते रहिए, लेमन टी पीते रहिए, आंवला खाते रहिए, गूसबेरी खाते रहिए, ग्रेप्स खाते रहिए. इन सब चीज़ों से आप हमेशा ग्लोइंग ग्लो करते रहेंगे और आपकी ब्यूटी बनी रहेगी. पॉइंट नंबर 4, अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, 7 घंटे से कम सोते हैं तो हार्मोन स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से साइंस ऑफ एजिंग दिखाई देंगे. आंखें मोटी मोटी दिखाई देंगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देंगे. टेक एडिक्वेट स्लीप फॉर दैट इफ यू वांट टू लुक यंग, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू आर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं तो आपको एजिंग जल्दी आएगी. फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से आपकी मसल्स वीक जल्दी होंगी. तो यंग रहने के लिए यू हैव टू डू एटलीस्ट 6 hours अ वीक ऑफ एक्सरसाइज. हफ्ते में 6 घंटे कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग और सिंपल यू कैन डू स्मॉल वर्कआउट, सिंपल बॉडी की एक्सरसाइजेस, सिंपल वार्म अप यू कैन डू. नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट हैव टू डू स्मोकिंग एट ऑल, यू डोंट हैव टू टेक एल्कोहल एट ऑल. So quit smoking and alcohol to stay younger and to stay fit. Next, you have to limit your caffeine intake. Coffee कम कर दीजिए, चाय कम कर दीजिए. Caffeine जितना कम करेंगे उतनी आपकी skin अच्छी रहेगी. You will feel externally also and internally also strong and healthy. The next point is you have to introduce some proteins in your diet. Nuts लाइए अपनी diet में, oats लाइए, walnuts लाइए, egg white लाइए. Include these things in your diet. The next thing is very important for you. Females होती हैं, girls होती हैं, अक्सर पानी डाल डाल के बहुत बार face धोती हैं.
फेस को दिन में 3 या 3 बारी से ज़्यादा ना धोएं। जितना ज़्यादा आप फेस को धोएंगे उतनी स्किन ड्राई होगी, ड्राई स्किन जल्दी एजिंग की तरफ जाती है। स्किन को ड्राई ना होने दें, हमारे स्किन में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो नेचुरल ऑयल्स को ख़त्म ना करें, फ्रिक्वेंटली वॉश ना करें फेस को। यू हैव टू वॉश योर फेस एटलीस्ट 3 times, नॉर्मल सिंपल ऑर्गेनिक फेस वॉश यूज़ करिए, या फिर जिनको एक्ने या किसी की प्रॉब्लम्स रहती हैं पिंपल्स की, वो नीम फेस वॉश यूज़ करिए। यू कैन यूज़ मेडिमिक्स सोप, यू कैन यूज़ एनी नीम सोप, खादी के सोप्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बहुत ज़्यादा जो मैटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं उनको एजिंग जल्दी आती है, तो मैटी प्रोडक्ट्स प्लीज़ बी केयरफुल, मैटे वाले प्रोडक्ट्स आपको नहीं लगाने हैं। मैटी की फाउंडेशंस कम करिए, प्राइमर्स कम करिए, जितना ज़्यादा मेकअप आप ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपकी एजिंग आएगी, बिना मेकअप के उतनी जल्दी एजिंग आएगी। ट्राई टू यूज़ द नॉर्मल प्रोडक्ट्स, हफ्ते में 3 बार एलोवेरा लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है, हनी और लेमन लगा सकते हैं, हल्दी और दही लगा सकते हैं, नींबू में गुलाब जल डाल के लगा सकते हैं, मसूर की दाल को पीस के लगा सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट टिप्स फॉर अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। कुछ भी नहीं करना है तो वेरी सिंपल, यू जस्ट कट अ वाइटामिन ई कैप्सूल को कट करिए, उसमें एलोवेरा रस मिलाइए, हफ्ते में 4 दिन करिए, डार्क स्पॉट्स, एक्ने और साइंस ऑफ एजिंग आपकी चली जाएगी इन अ मंथ और 2। सो दीज आर वेरी सिंपल टिप्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन योर लाइफ स्टाइल। जो भी लोग अपनी एज कम करना चाहते हैं या फिर अपनी एज जितनी है उतनी ही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्ट्रांग रहें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, यू जस्ट हैव टू फॉलो दी सिंपल टिप्स एंड आई विश दैट यू ऑल विल बी वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी सेफ एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ स्टेमिना इन योर लाइफ। Hope you like my video. Do subscribe. Welcome and bye-bye.